व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जी हाँ, हम सबके फेवरेट सिंगर दिलजीत दोसांझ, उन्हें ऑफर हुआ एक ब्लैंक चेक और किस मूवी के लिए ऑफर हुआ था, ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो जी हाँ, दिलजीत दोसांझ इंडस्ट्री के वो जाने माने सिंगर है जिनका शुमार अनीता अंबानी और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में भी हुआ है। जी हाँ, वो उस शादी में गए थे और धूम धड़के से अपनी परफॉर्मेंस से सबको कायल कर लिया था। और उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ यहीं तक नहीं थी, इनकी परफॉर्मेंस और उनके धुआंधार बहुत सी परफॉर्मेंस को देखते हुए एक प्रोड्यूसर जो कि जट एंड जूलियट 3 के थे, उन्होंने भी उन्हें एक ब्लैंक चेक ऑफर किया था। हुआ ये था कि दिलजीत दोसांझ के अपने प्रोड्यूसर जो थे जो जट एंड जूलियट के, उनके साथ कुछ काफ़ी ज़्यादा अनबन चल रही थी। उनका जहन था कि इस बार वो जट एंड जूलियट 3 नहीं करने वाले। और जैसे ही प्रोड्यूसर ने उन्हें ऑफर की तो वो उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन उस प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाता हूँ और मैं उसे जाए कहता हूँ कि मैं ये नहीं लेने वाला फिल्म और मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री सही नहीं रह चुकी है, हम एक दूसरे के साथ काफ़ी बार बहस में भी जा चुके हैं। जिसके बाद प्रोड्यूसर जो होता है, उन्होंने दिलजीत कहते हैं कि प्रोड्यूसर ने बड़े ही फिल्मी स्टाइल में मेरे सामने एक ब्लैंक चेक रखा और कहा फिल दी अमाउंट। उन्होंने कहा मैंने अपने मैनेजर से डिस्कस किया, अमाउंट को फिल कर दी। मिलते हैं।